हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संदीप जैन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में थर्ड लेसन रहीम के नेति दोहे, जिसमें हम रहीम के शेष रहे काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके प्रथम भाग में पढ़ा कि रहीम ने जो है अपने दोहों के द्वारा परोपकार, सज्जनता, स्वाभिमान और लोक व्यवहार की सीख मिली तथा रहीम ने बतलाया कि उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंगति प्रभावित नहीं करती तथा सज्जन जो है वो हमेशा परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं और धनी पुरुष निर्धन होने पर भी अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। तो आज हम जिन दोहों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें कवि ने बतलाया है कि आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं और काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर लोगों का जो व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इसी का जो है आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करी जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह देही। इस दोहे में रहीम ने बतलाया है कि स्वाभिमानी मनुष्य को मन की जो बातें हैं वो हमेशा मन में ही रखनी चाहिए। तो कवि कहते हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी, आंसुआ अर्थात आंसू, नैन अर्थात नेत्र, जिय का अर्थ होता है मन या हृदय। तो कवि कह रहे हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, कि मन हमारे जो आँखों के जो आंसू है वो हमारे मन के हमारे हृदय का जो दुख होता है उसको प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देही। जाहि अर्थात जिसे, निकारो अर्थात निकालना, गेह का अर्थ होता है घर, कस न अर्थात क्या नहीं, और भेद का अर्थ होता है गुप्त बातें। तो अब कवि कहते हैं कि जाहि निकारो गेहते, कि अगर हमारा कोई विश्वास पात्र होता है जिसको हम घर से निकाल देते हैं तो कस न भेद कही दे, तो क्या वह बाहर जाकर हमारे घर की जो गुप्त बातें हैं वो नहीं कहेगा, अर्थात अवश्य कहेगा। तो इसलिए स्वाभिमानी मनुष्य को अपने मन की जो बातें हैं वो हमेशा मन में ही रखनी चाहिए। फिर देखते हैं। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब बांटी न लेहे कोय। इस दोहे में भी कवि ने यही बतलाया है कि हमें जो है अपने मन की दुख को, व्यथा को हमेशा अपने मन के अंदर ही छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं उसको सुनकर उसकी हंसी उड़ाते हैं लेकिन उसको कम नहीं करते। यही भाव जो है कवि ने इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। रहीमन निज मन की बिथा, बिथा का अर्थ होता है व्यथा या दुख, गोय अर्थात छिपा कर, अठिलेह का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। तो कवि कहते हैं कि निज मन की बिथा, कि हमें जो है अपने मन की व्यथा को, दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। सुनी अठिलेह लोग सब, सब लोग जो है इसको सुनकर इसकी हंसी उड़ाते हैं, बांटी न लेहे कोई, लेकिन कोई भी जो है इसके दुख को, हमारे मन की व्यथा को कम करने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए हमें हमारे मन के व्यथा को, दुख को मन के अंदर ही छिपा के रखना चाहिए। फिर कवि कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। इसमें कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि जो दीनों की सहायता करते हैं वो हमेशा ईश्वर के समान होते हैं। तो देखते हैं, दीन सबन को लखत है, दीन अर्थात निर्धन, लखत का अर्थ होता है देखना, दीन ही अर्थात दीन को, निर्धन को। तो कवि कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है कि निर्धन या जो गरीब व्यक्ति है वो सबकी ओर सहायता की दृष्टि से देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन कोई भी उस दीन की ओर, उस निर्धन की ओर नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए, दीन बंधु अर्थात ईश्वर। तो कवि कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लखे, कि जो उस निर्धन की ओर, उस गरीब की ओर सहायता की दृष्टि से देखता है,
अर्थात उसकी सहायता करता है। तो दीन बंधु सम होए तो वह ईश्वर के समान होता है। फिर देखेंगे, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पित ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में कवि ने बतलाया है कि कोयल और कौवा दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, काले रंग के, लेकिन जब कौवा अपनी कर्कश वाणी बोलता है और कोयल अपनी मधुर वाणी बोलते हैं, तो जो है हमें उनके गुणों की और गुणहीन की पहचान उनके वाणी के द्वारा हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, कि कोया कौवा और कोयल दोनों जो है देखने में एक जैसे होते हैं, जो लो बोलत नाही जब तक वह बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, जान परत अर्थात पहचानना, काक अर्थात कौवा, पिक का अर्थ होता है कोयल। तो कवि कहते हैं कि जब कौवा और कोयल बसंत ऋतु में बोलते हैं तो कौवा कर्कश वाणी बोलता है और कोयल है वो अपनी मधुर वाणी बोलते हैं, तो इस तरह से दोनों की जो है वाणी के द्वारा पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर कवि ने यही बतलाया है कि किसी व्यक्ति की पहचान जो है उसके वाणी के द्वारा हम कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। इस दोहे में कवि ने बतलाया है कि जो महान लोग होते हैं या सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़े अर्थात महान लोग, बड़ाई अर्थात प्रशंसा, बड़ो न बोले अर्थात बढ़ा चढ़ा कर, बोल का अर्थ होता है कथन। तो कवि कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, कि महान लोग जो है कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बड़ो न बोले बोल और कभी भी बड़ा चढ़ाकर कोई कथन या बातें नहीं करते। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, लाख अर्थात लाखों। तो कवि कहते हैं कि हीरा जो है कब अपने मुंह से कहता है बोल के कि लाख टका मेरा मोल, कि मेरा मूल्य जो है वो लाखों रुपए है। तो कवि ने जो है यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने दे के बतलाया कि हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, कि हीरा जो है कब अपने मुंह से बोल के कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है। उसी तरह से महान लोग जो है, सज्जन व्यक्ति जो है, वो कभी भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, कभी भी अपने जो है बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं करते हैं। फिर देखेंगे, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इस दोहे में कवि ने बतलाया है कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको कितना ही हम प्रयास कर ले वह फिर से बनती नहीं है। तो यही भाव जो है कवि ने इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, कि अगर कोई बात हमारे जीवन में बिगड़ जाती है तो उसको कोई भी कितना ही प्रयास कर ले, लाखों प्रयास कर ले, लेकिन वह बात फिर से बनती नहीं है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, जैसा उन्होंने कहा कि अगर कोई दूध फट जाता है तो उस दूध को हम कितना ही मखन मथ लें, लेकिन उसमें से हमें माखन प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको हम कितना ही सुधारने का प्रयास करें वह फिर से सुधरती नहीं है, बनती नहीं है। फिर देखेंगे, विपत्ति भय घनना रहे रहे जो लाख करोड़, नब तारे छिप जात है जो रहीम भय बोर। इस दोहे में कवि ने यही बतलाया है कि जब विपत्ति आती है तो हमारा धन जो है वो उसी तरह लुप्त हो जाता है जैसे प्रातः काल के समय तारे छिप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं, विपत्ति भय धन ना रहे रहे जो लाख करोड़। विपत्ति अर्थात संकट, करोड़ का अर्थ होता है करोड़ों। तो कवि का कहने का मतलब यही है कि विपत्ति भय घन ना रहे, कि संकट के समय हमारे पास धन नहीं रहता,
रहे जो लाख करोड़, चाहे उससे पहले कितने ही लाखों करोड़ों हमारे पास रुपए हो, लेकिन विपत्ति आने पर वह धन जो है हमारा उसी तरह लुप्त हो जाता है जैसे नभ तारे छिपी जाते हैं जो रहीम भय भोर। नभ का अर्थ होता है आकाश, भोर अर्थात प्रातः काल। तो जैसे प्रातः काल में तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार संकट के समय हमारा जो धन है वो लुप्त हो जाता है। फिर से देख लो, कवि का कहने का भाव ये है कि हमारे पास एक परिस्थिति ऐसी है कि जिस समय हमारे पास खूब रुपए पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वही धन जो है, वही करोड़ों लाखों रुपए संकट के समय हमारे पास उसी तरह लुप्त हो जाते हैं जिस तरह प्रातः काल के समय तारे छिप जाते हैं। फिर देखेंगे, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तव बावने नाम। इस दोहे में कवि ने बतलाया है कि अगर हम किसी के सामने हाथ फैला लेते हैं या मांग लेते हैं, तो चाहे हम कितना ही बड़ा काम करें, पुण्य का या कल्याणकारी कार्य करें, लेकिन फिर भी जो है मांगने पर हमारा सम्मान जो है, पद है, वो कम हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। पद अर्थात सम्मान, कितो अर्थात कितना भी, बड़ी का अर्थ होता है बड़ा। कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, कि अगर जो हम किसी के सामने मांग लेते हैं, तो चाहे हम कितना ही बड़ा कार्य करें, कितना ही कल्याणकारी कार्य करें, लेकिन मांगने पर हमारा मान सम्मान, हमारा पद जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। जैसे तीन पैग वसुधा करो तव बावने नाम। पैग अर्थात डग या कदम कह सकते हैं हम, तव अर्थात तो भी, बावने का अर्थ होता है बौना। तो अब कवि कहते हैं, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि तीन पैग वसुधा करो तव बावने नाम। कि श्री कृष्ण, उन्होंने राजा बलि से वामन अवतार लेकर अर्थात बोना रूप धारण करके तीन कदमों में पूरी पृथ्वी मांग ली, और जब बलि ने उनको यह उनकी जो ये प्रार्थना है स्वीकार कर ली, तब श्री कृष्ण जो है वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं और तीन कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। तो इस तरह से उनके इस कार्य के द्वारा, मांगने के कारण उनको जो है वामन अर्थात बोना ही कहा गया। तो इसमें कवि ने यही कहा है कि तीन पैग वसुधा करो तव बावने नाम। कि श्री कृष्ण ने राजा बलि से तीन कदम में पूरी पृथ्वी मांग ली, तो राजा बलि ने जब उनकी ये प्रार्थना स्वीकार करी, तो इस तरह से तीन कदमों में पूरी पृथ्वी को मांगने के कारण कृष्ण को वामन अवतार अर्थात उनको बोना नाम दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो है तीन कदमों में पृथ्वी को मांग लिया था। तो इस तरह से कितना ही कल्याणकारी कार्य कर लो या कितना ही जो है बड़ा कार्य करने पर भी अगर हमने किसी के सामने हाथ फैला लिया, मांग लिया, तो हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। फिर देखेंगे, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो सीस। इसमें जो है कवि ने बतलाया है कि अपमान सहित होने वाले महान लाभ जो है वो भी है हमारे लिए तुच्छ हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। मान अर्थात सम्मान, विष का अर्थ होता है जहर, शंभु अर्थात शिव, जगदीश अर्थात जगत की स्वामी। तो कवि कहते हैं कि भगवान शिव, उनको जब समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ, तो उस वृष को भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही मान सम्मान से अर्थात खुशी खुशी पी लिया। तो इस तरह से शंभु भय जगदीश, इस तरह से जो है भगवान शिव जब विष का पान करते हैं, तो वह जगत के स्वामी कहलाते हैं। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो सीस। राहु एक राक्षस का नाम है,
तो अब कवि कहते हैं कि राहु राक्षस जो है वो छल कपट के द्वारा देवताओं के बीच में जाकर अमृत का पान करता है। तो इस तरह से वह छल कपट के द्वारा जब अमृत पान करता है तो उसे अपने सिर को कटवाना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने यही बतलाया है कि हमें जो है अपमान से होने वाले लाभ को तुच्छ समझना चाहिए। फिर हम देखेंगे रहिमन जिह्वा बावरी कही गई सरक पाताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। इस दोहे में कवि ने बतलाया है कि हमें जो है अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, बावरी अर्थात मूर्ख, सरक पाताल अर्थात अनुचित बातें, और कपाल का अर्थ होता है सिर। तो कवि कहते हैं कि रहिमन जिह्वा बावरी कि हमारी जो जीभ है या वाणी जो है वो मूर्ख है। कही गई सरक पाताल, ये जो जीभ है जिसके द्वारा हम अनुचित बातें करते हैं। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, और इस तरह से जीभ अनुचित बातें करके क्या करती है, अंदर चली जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है। और जूती खात कपाल, और इस तरह से जो जूतियां हैं वो कहाँ पड़ती है, सिर पे पड़ती है। तो कहने का भाव क्या है कि जीभ जो है वो अनुचित अनर्गल बातें करके मुंह में चली जाती है, लेकिन हमारे जो जूतियां हैं वो हमारे सिर को खानी पड़ती है। तो कवि ने यही कहा है कि हमें जो है अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए, क्योंकि असंयम का अपमान जो है उसका फल जो है वो जूतियों के द्वारा मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसीलिए बोलते समय हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। फिर अंतिम जो हमारा दोहा है उसको देखते हैं। अमृत ऐसे वचन में रहे मन रिस की गांस, जैसे मिसिरेऊ में मिली निरस बांस की फांस। इस दोहे में कवि ने बतलाया कि हमें जो है वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों के प्रयोग से हमेशा बचना चाहिए। कवि कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में रहिमन रिस की गांस, अमृत अर्थात मधुर, रिस का अर्थ होता है क्रोध, गांस का अर्थ होता है अप्रिय शब्द। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम कोई मधुर वचन बोलते हैं और उन मधुर वचनों के बीच में अगर कोई क्रोधवश अप्रिय शब्द बोल देता है तो वह अप्रिय शब्द हमें उसी प्रकार लगता है जैसे मिसिरियों में मिली निरस बांस की फांस। मिसिरियो अर्थात मिश्री, निरस का अर्थ होता है रसहीन, और फांस का अर्थ होता है बारीक तिनका। तो जैसे हम कोई मिश्री खाते हैं और उस मिश्री में कोई रसहीन बांस का तिनका आ जाता है तो वह बांस का तिनका हमें उसी प्रकार लगता है जैसे कोई मधुर वचनों के बीच में क्रोधवश अप्रिय शब्द बोल देता है। तो इस तरह से इस दोहे में कवि ने हमें अपनी वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों के प्रयोग से बचाने का परामर्श दिया है। तो हम देखेंगे कि रहीम ने अपनी नीति दोहों के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि हमें जो है अपनी मन की जो व्यथा है, जो दुख है, उसको हमेशा मन के अंदर ही छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है, संसार जो है, वो हमेशा उनको सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको कम करने का प्रयास नहीं करते। और इसी तरह से काम पड़ने पर और काम निकल जाने पर लोगों के जो व्यवहार है वो अलग होता है। तो हमें जो है रहीम के इन नीति दोहों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से हमें भी जो है जो कवि ने संदेश दिया है उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।